Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. शनिवार को मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय में उस वक्त अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब बड़ी संख्या में लोग एक शव को लेकर वहां घुस आए। डीएम ऑफिस में उन्होंने शव को रखकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने सीधा सवाल किया कि बिना कोई पूर्व सूचना गांव के दबंगों ने उनके मकान को ध्वस्त कर दिया। इससे आहत गृह स्वामी राहुल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर गिरा दिया गया है, ऐसे में वे शव को कहां रखें? पीड़ित परिजनों का यह भी कहना है कि पिछले 7-8 पीढ़ियों से वे वहां रह रहे हैं। पास में ही शिव मंदिर है। गांव के दबंग लोग मंदिर को चौड़ा करना चाहते हैं, इसलिए उनका मकान जमींदोज कर दिया गया। जहां यह घटना हुई वह रोहटा क्षेत्र का गांव बाड़म है। डीएम ऑफिस में शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को किसी तरह प्रशासनिक अफसरों ने समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले देखिए क्या हुआ डीएम ऑफिस में। इस बारे में राहुल के छोटे भाई निशांत गोस्वामी ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को यह जानकारी दी। नाम निशांत गोस्वामी जी। निशांत गोस्वामी, आज जी यहाँ बॉडी रखी है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है जी, गांव मेरा बाड़म है और ये मेरे बड़े भाई हैं राहुल गिरी। तो गांव के कुछ दबंग आदमियों ने हमारे मकान घेर दिया। मकान घेरने के बाद ये देखना आए, संडे वाले दिन इन्होंने मकान घेरा था गाँव के दबंग आदमियों ने। अब देख ये जैसे आज देखना आए रात, तो सुबह हार्ट अटैक हो चुका है। अच्छा, फिर अब डीएम साहब के पास आओ जी, बॉर्डर का हंगामा कर रहे हैं। हाँ जी, मांग रहेगी आपकी, मांग ये रहेगी जब ये बताओ जी, जब हमारे यहाँ पर मकान ढा दिया तो डेड बॉडी को रखेंगे कहाँ पर? हम मकान क्यों ढाया, किसने ढाया? गांव के दबंग आदमियों ने। वजह ये है जी, हम 6 से 7 पीढ़ी पहले से ही यहाँ पर रह रहे हैं गाँव बाड़म में, और उसके बाद अब ये शिव मंदिर जो है हमारे बगल में उसे बढ़ाना चाह रहे हैं कि और चौड़ा करें इसे। दबंग के साथ पंडित वगैरह भी शामिल है? नहीं, कोई नहीं है। गाँव के त्यागी जी, नाम तो जी है, क्या नाम है उसका, संजय पंजे कई हैं जी। जी सर, तो मकान बिल्कुल जमी दोष कर दिया, बिल्कुल दोष, पैर रखने की जगह नहीं है, ईंट पड़ी है वहाँ पर। अब बताओ डेड बॉडी कहाँ पर रखेंगे हम? उधर जॉइंट मजिस्ट्रेट कमल किशोर ने मीडिया को यह बताया। क्या मांग थी उनके, क्या मुद्दा है, क्या बताया? तहसील मेरठ के बाड़म गाँव का एक मामला था, इसमें दो पक्षों के बीच में एक छोटा सा विवाद था, और इनकी जो भी तहरीर है वो अभी तहरीर हमने ले ली है। इनकी सहमति से सुलह भी हो चुकी थी, जो ये बता रहे अभी भरजन, उससे पुलिस स्टेशन में इनकी सहमति से सुलह भी हो चुकी थी, परंतु आज मतलब अभी तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है, तो इसमें जो भी रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम से उस बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे, और तहसील से भी जो भी कार्रवाई है इनसे आज ये तहरीर दे रहे हैं, तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर इसमें जो भी नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और इसमें आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। इसमें उनने दो तहरीर दे रहे हैं, इसमें एक तो तहसील के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं जिसमें उनकी एप्लीकेशन है, और दूसरा जो इनकी पुलिस के पास कंप्लेंट है उसमें जरूर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, FIR लिख के कार्रवाई की जाएगी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।